हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल पहला कैंपस। मैं हूं विक्रम सिंह और आज हम बात करते हैं कॉलेज पोर्टल के ऑनलाइन रैंकिंग के बारे में। जो कॉलेज पोर्टल्स हैं उनकी ऑनलाइन रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट है और उसके बेसिस पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है वो कॉलेजेस की रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं, जिसके बिहाफ पे उनका जो कैरियर है वो खराब हो सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इस बारे में ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत ही कम लोग बात करते हैं और आपको यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक रिलाय करते हैं इस रैंकिंग के बारे में, जबकि ये रैंकिंग एक्चुअल में सही नहीं है, ये मैनिपुलेटेड रैंकिंग है। और इसके सबके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे भी, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भी, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो है जिनका देखो अगर किसी ने एग्जाम दिया है या तो जेईई मेंस का देगा या किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देगा, ठीक है। अगर उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और उसे इंजीनियरिंग ही करनी है तो वो कोई ना कोई तो कॉलेज चूज करेगा, प्राइवेट कॉलेज चूज करेगा। अब हर किसी को ये चाहिए कि उसे प्राइवेट कॉलेज भी मिले तो अच्छा मिले, जिसकी फी कम हो और आरओआई अच्छा हो और कॉलेज में पढ़ाई अच्छा हो रही, उसकी पैकेज अच्छा हो, राइट। तो अब वो या तो किसी से पूछेगा या फिर क्या करेगा, इंटरनेट पे सर्च करेगा, और इंटरनेट पे सर्च करेगा तो ये पोर्टल सबसे पहले आएंगे और इनकी रैंकिंग जो है वो मैनिपुलेटेड है और उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो चॉइसेस गलत कर लेगा। तो इस सबको आपको नहीं करना है। कैसे हम राइट कॉलेजेस चूज करेंगे, क्या फैक्टर्स होंगे, उन सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और इन कॉलेजेस की जो रैंकिंग है वो किस हिसाब से मैनिपुलेटेड है इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसी को हम देखते हैं। तो कुछ हम सर्च करते हैं गूगल पे, सबसे पहले लैपटॉप पे आते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने इनकॉग्निटो मोड पे और सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है, हमने सर्च किया। अब हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट हैं, टॉप थ्री रिजल्ट हम ओपन कर देते हैं। नंबर फर्स्ट का रिजल्ट है ये, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड पे ये रिजल्ट है, तीन रिजल्ट हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे आईआईटी दिल्ली, दिल्ली एनसीआर में टॉप कॉलेज है, नो डाउट सबको पता है, ठीक है, वेल एंड गुड है। देन डीटीयू, देन जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। अब अमिटी यूनिवर्सिटी आ गया, भाई कैसे, मतलब एनआईटी दिल्ली अमिटी यूनिवर्सिटी से नीचे, ट्रिपल आईटी दिल्ली अमिटी यूनिवर्सिटी से नीचे, एनएसयूटी वो भी नीचे है, मतलब ये क्या है। अमिटी यूनिवर्सिटी इसके बाद भी देख लेते हैं, देन इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, देन जेपी आ गया, अभी भी ट्रिपल आईटी एनआईटी और एनएसयूटी नहीं आया है। तो ये रैंकिंग किस बिहाफ पे है कोई मुझे समझाए भाई। इसके अलावा दूसरा पोर्टल भी देख लेते हैं, नंबर फर्स्ट पे आईआईटी दिल्ली, ठीक है, देन जामिया मिलिया इस्लामिया, ओके ठीक है, कोई नहीं, डीटीयू आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर अमिटी यूनिवर्सिटी, मतलब एनआईटी, हाँ नंबर फोर्थ फिफ्थ पे जो है वो एनआईटी है, मतलब एनआईटी दिल्ली से अमिटी यूनिवर्सिटी ऊपर है, आप देख रहे हो मतलब क्या है ये। इसके बाद फिर एनएसयूटी उसके बाद है, उससे भी ऊपर अमिटी है, वाह भाई वाह। अब नीचे की रैंकिंग क्या ही देखें, मतलब किस हिसाब से मैनिपुलेट है मुझे तो नहीं पता है। देन थर्ड पोर्टल भी देख लेते हैं, एबीईएसआईटी गाजियाबाद, इसमें तो आईआईटी एनआईटी और डीटीयू किसी का नाम ही नहीं है, सीधे प्राइवेट कॉलेज डाल दिया टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ये रैंकिंग में क्या चल रहा है आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस बिहाफ पे रैंकिंग है। तो आप जो पोर्टल के कॉलेज की रैंकिंग है उसे आप ट्रस्ट ना करें, ये तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है किस बेसिस पे रैंकिंग लिखी गई है और किस बेसिस पे ये रैंकिंग है, इसको आप देख लेना।
बाकी जो ये रैंकिंग है, जो इसके बाद की भी प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजों की रैंकिंग है ना, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रही है कि ये सच है भी कि नहीं। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है न्यू स्टूडेंट से कि आप इस रैंकिंग पे भरोसा ना करें। कोई भी ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी भी पोर्टल की, क्योंकि हर एक पोर्टल में जो है वो सेम ही चीज है। ये रैंकिंग किसी भी हद तक मुझे नहीं समझ में आ रही कि सही है या नहीं है। अब ये कॉलेज जो है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ये कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसको किस रैंकिंग पे रखा गया है, किस बेसिस पे रखा गया है, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पे प्लीज ट्रस्ट ना करें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपने अंत तक देखा तो आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली होगी। सेम टाइप के वीडियो और कॉलेज से रिलेटेड वीडियो, काफी सारे वीडियो आने वाले हैं और कॉलेज रिव्यू भी आने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे से कॉलेज सिलेक्शन कर पाओ। प्लस हम कॉलेज का कैंपस टूर भी लाते हैं, और इस चैनल पे पहला कैंपस पे कैंपस टूर काफी ज्यादा पड़े हुए हैं। तो अगर आपको कैंपस टूर देखना है तो आप देख भी सकते हैं। प्लस अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जो हम कॉलेज रिव्यू लाएंगे काफी ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट होगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच।